नमस्ते, मैं निखिल तिवारी डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज एक ऐसे ऑफबीट टॉपिक है, मैं रियाज़ के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। किस ढंग से आपको रियाज़ करना चाहिए और हम जो रियाज़ समझते हैं वो क्या है, वाकई में रियाज़ है, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं हम आम भाषा में। एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हम रोज़ प्रैक्टिस करते हैं उसको हम रियाज़ नहीं कहते। शौकिया रियाज कुछ अलग होता है, रियाज अगर आप जिस चीज़ को कहोगे वो एक अलग चीज़ है। लोग सोचते हैं हम रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस का पैटर्न उनका क्या होता है, तो ये रियाज़ का पैटर्न होता है कि थोड़ा बजाय उसके गाने में चले गए। ये अमूमन शुरुआती दौर में ये सब लोग फेस करते हैं, हम भी करते हैं। रियाज़ जो हम समझते हैं, जो प्रैक्टिस हम करते हैं, रियाज़ करना बड़ा मुश्किल है। रियाज़ करना मतलब एक ही चीज़ को कम से कम साल साल भर मेहनत करना। अगर आप कोई राग पकड़ लिए तो आपने उसी राग में मेहनत की, इट्स वेरी टफ। हम लोग भी चूक जाते हैं कभी कभी, एक राग पकड़ते हैं उसके बाद मन लग जाता है चलो यार आज केदार बजा लें। तो ये मन करता है हमारा जो, तो रियाज का मतलब जो अगर आप गलत ढंग से समझें, रियाज पहले तो आप को एक सिस्टम अपने मेंटेन करने पड़ेगा कि एक घंटे पहले मैं ये चीज़ बजाऊंगा। उसके अगर मुझे राग सीखना है या कोई गाना दिया है या कोई भी धुन दी है तो उसको कम से कम मैं इतने बार तो बजाऊंगा, इतने दिनों तो बजाऊंगा कि मैं वो उसको कभी भूलूं ना दोबारा। क्योंकि मैं जो भी एक्सरसाइज करूँ वो अगर मैं भूल गया एक साल बाद या तीन महीने बाद, इसका मतलब मैंने वो जड़ तक नहीं की है, मैंने सिर्फ एक शौकिया रियाज के तौर पर किया। लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करने का जब तक तरीका नहीं आएगा तब तक भी कभी नहीं सीख पाएंगे। अगर टीचर पे आश्रित हो गए, टीचर आएगा तो करेंगे, टीचर नहीं है तो नहीं करेंगे, तो वो भी कभी फ्लो अच्छे से नहीं जाता है। सेल्फ आपको क्या गलती हो रही है, अगर आप कितने नए लोग को मैं बताता हूँ साउंड आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे तो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, गलत रियाज करते हैं, उनको ये नहीं पता है गलत क्या है, सबसे बड़ी कमी होती है। आप गलती करेंगे स्वाभाविक है और करेंगे तभी तो सही करेंगे, पर आप गलती करके भी उसको नज़रअंदाज करेंगे तो नहीं होगा। आप गलत कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो काफ़ी ये दिक्कत आती है। और देखिए, ऑनलाइन क्लास हम देते हैं, लोग कहते हैं गाने सिखा दीजिए, हम पे आपको 3 महीने 6 महीने ट्रस्ट करना पड़ेगा, गाने हम आपको आपके लेवल के देंगे। लोग बड़े होते सारे कोई धुन दे दीजिए आपको पहले, या तो फिर हम ऐसा टीचिंग आपको खुद करने के लिए टीचिंग करें, या आपको 3-6 महीने ट्रस्ट करें कि भाई हाँ ये सर जो कहेंगे अभी मैं पहले करके देखता हूँ, 3 महीने हमें भी मौका दीजिए कि हम आपको क्या सिखाना चाहते हैं। कोर्स कुछ ऐसा नहीं होता कि आपके लिए अलग कर दिया उसके लिए अलग कर दिया, आपकी क्षमता कितनी, आपका समय कितना दे रहे हो आप, उस हिसाब से कोर्स डिसाइड होता है। अगर आप अच्छा समय दोगे तो मैं अपनी जेब में रख के या कोई भी टीचर छुपा के उसको क्या लाभ होगा उसको, ये तो देने से बढ़ेगा है ना। तो ये चीज़ दिमाग में कन्फ्यूज़न लेके जो भी आता है उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए पर अटपटे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, जिसका कोई मतलब नहीं है कितने दिन में सीख जाऊँगा, सर इस लेवल में कब पहुँच जाऊँगा आप, ये पूछने की बात नहीं, ये तो मेहनत का चीज़ है। और आप जब इसको करने आए तो इन्जॉय कीजिए इसको, जब तक आप रियाज इन्जॉय नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ बजाने की आदत नहीं होगी, माहौल बनाएंगे नहीं, तानपुरा तबला साथ में अपना मोबाइल को दूर रख के, इस टाइप की चीज़ें जब आप करोगे तभी आप इसको बजा पाओगे, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं बजा पाओगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही फायदा। अब आपने आलाप नहीं कर रहे हैं कभी रोज़, आप लॉन्ग नोट्स नहीं कर रहे हैं, आप पूरी स्किल प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो क्या फ़ायदा होगा, रोज़ नहीं करेंगे वो बेकार है। जब तक वो रोज़ की आदत नहीं डालेंगे तब तक आपकी मिठास भी नहीं आएगी, और फिर कितनी महंगी कितनी अच्छी फ्लूट ले लीजिए उससे भी कोई फ़ायदा नहीं।
लोग कन्फ्यूज रहते हैं फ्रूट में ज़्यादा, फ्रूट में इतना मत सोचिए आप, 70% आपका आउटलुक, फ्रूट भी है एक हद तक पर, 70% आपका आपको अपनी जड़ें मजबूत करनी है। हाँ अभी क्या कहते हैं, ऑनलाइन हमें काफ़ी तकलीफ होती है म्यूजिक गेम में, बहुत तकलीफें हैं म्यूजिक चार्ज में, क्योंकि जो भी माइंडसेट आज की जनरेशन को बहुत जल्दी सीखना है, सब कुछ गाना वाना तुरंत सीखना है, किसी के छोटे छोटे टारगेट हैं, भजन सीखना है, कोई कहता है कि हम तो भजन सीख रहे हैं, भजन के नोट में, भजन भी म्यूजिक है ना, आपको जो भी अगर हम सिखाएंगे तो अगर आप हमको ट्रस्ट करके सीखेंगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। ऐसे बहुत अच्छे भी हैं जो बिल्कुल छोड़ देते हैं, सर आप जैसा कहेंगे, ऐसे बहुत भी सीखने वाले भी हैं, तो उनको मज़ा भी आता है सिखाने में। और जब तक आपको सेल्फ प्रैक्टिस ही आती नहीं है, सेल्फ प्रैक्टिस मतलब कि आपको ये नहीं क्लास ही करनी है तभी कुछ आएगा, कभी आप क्लास मिस कर देते हैं तो उस दिन क्लास प्रैक्टिस नहीं करते, या कहीं आप 5-6 दिन के टूर में चले गए फिर छूट गया, फिर प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, अरे इतना छूट गया फिर से करना पड़ेगा, तो छूट गया तो कम से कम अब तो कीजिए, ये चीज़ माइंड सेट होगा तो कैसे सीखेंगे। तो ये डिफ़िकल्टी हमें पढ़ाने में भी आती है, सीखने वाले की भी डिफ़िकल्टी स्वाभाविक है, कोई नया आदमी है तो उसको बहुत क्वेश्चन होंगे दिमाग में, तो क्वेश्चन होने के रिलेवेंट टू टॉपिक। अभी मैं जैसे कितने लोग को तीव्र माँ सिखा रहा हूँ, सर शुद्ध माँ क्या होता है, जब तीव्र माँ आ जाएगा उसके बाद शुद्ध माँ अपने जेब में रखूँगा नहीं, आपको ही सिखाऊँगा, पर पहले तीव्र माँ समझ लो, और सबकी एक साथ थ्योरी नहीं पता, कोमल स्वर जब आप पहले लोअर सीख रहे हैं, अभी आपकी 6 दिन क्लास नहीं है, आप कैसे मैं कोमल स्वर बताऊँगा, तो है ना। तो ये चीज़ पहले तो प्रेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद अपने ऊपर कंट्रोल की यार मैं रोज़ एक करनी है मुझे, ये एक तपस्या की तरह है, पहले मैं आधा आधा घंटे का ऐसा करूँगा, फिर मैं बढ़ाऊँगा समय, और एक लंबा टाइम पीरियड सोच के आना है। लोग कभी कभी क्लास नहीं करेंगे, बीच में गायब हो जाएंगे, अब 1-2 दिन तो हम मैसेज कर सकते हैं कि, और उसके हर समय तो हम मैसेज नहीं करेंगे, इसका मतलब हम सोच लेंगे कि आप इतने इच्छुक नहीं हैं, आप इतने, तो हम भी अपना टाइम अपने रिस्क नहीं करेंगे, आप कभी टाइम रिस्क नहीं करेंगे। तो ये चीज़ होता है, लोगों को थोड़ा सा ये कमी है, और मैं किसी को कहता हूँ कि आज सिखाया तो ऑडियो देना, तो पहले दिन ही ऑडियो दे दो, यानी कि 3 दिन प्रैक्टिस करके, 3 दिन प्रैक्टिस के बाद ऑडियो दोगे तो आपको मुझे समझ में आने, प्रैक्टिस भी की है नहीं की है, आज बताया कल ऑडियो दे दी सही है नहीं सही, ऐसे नहीं होगा, तो 2-3 दिन समय दो, तभी हाथ जमेगा आपका, बनेगा हाथ, है ना, तब सिंगर होगे, तब वॉल्यूम बढ़ेगा साउंड में। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, म्यूजिक कोई भी म्यूजिक है, ये नहीं खाली फ्रूट शास्त्रीय संगीत हो, आपको सुगम संगीत हो, जो भी संगीत आप सीख रहे हैं, ये आपको अपने ऊपर रखना है कि म्यूजिक को सीखना है तो मुझे कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी अच्छे से मैं सीख पाऊँ। और जब तक आप बोलने की आदत नहीं लेगी, सुर को बोल नहीं पाएंगे, सारे गा मा रे गा मा पा गा, एक कुछ लोग ऐसे होते पाधा नी सा रे गा मा पा ऐसे बोलते हैं, ये सारे गा मा पा धा नी सा तो बजाएंगे भी ऐसे, सारे गा मा पा धा नी सा, ऊपर सीढ़ी जा रही है, लोग ऐसे सारे गा मा पा धा नी सा, ये जब तक मन में नहीं बोलेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपका ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, टीचर सिर्फ आपको एक बताएगा गलत है सही है आगे आप बढ़ना है, आपका सिस्टम बना सकता है, पर आपके अंदर डाल देगा सीख के, बहुत लोग 3 महीने में बहुत अच्छा सीख लेते हैं चीज़ें, कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा सेल्फ प्रैक्टिस में ध्यान दें और रियाज करें, रियाज से प्यार करें, शौकिया रियाज अलग होता है, आधा घंटा 1 घंटा बजाए शौकिया रियाज है, उसके लिए आप सोचो मैं वैसा बजाऊँगा, फिर लंबा समय आपको 10-12 साल उस जर्नी को देंगे, तो 6-6 घंटे करेंगे वही साल कम होकर 5 साल हो जाए, ये तो खुद आप लॉजिक लगाइए ये चीज़ें। तो म्यूज़िक को सीखना है तो डेडिकेटेड आइए, हमारे क्लास में भी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें भी हम हफ्ते में 1 बार लेते हैं, 1-to-1 क्लासेज लेते हैं, उसके लिए हम चाहते हैं डेडिकेटेड, 3 महीने के हम 1-1 महीने इनरोलमेंट नहीं लेते, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी आए वो 3 महीने तक करें, तो हम भी उसको समझ में आया है ये इसमें डिफ़िकल्टी लेवल ये है और मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसको भी एक आइडिया है, तो हमारे भी मॉड्यूल 3 मंथ्स का है, तो वो फॉलो करना पड़ेगा। तो पढ़ाने में जब हम पढ़ाते हैं तो मैं स्टिल गुस्सा भी जाता हूँ कभी कभी, जब कोशिश करने के बाद नहीं समझना, कोई समझना ही नहीं जाएगा, पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं सर नहीं आएगा मुझे, सर मुझे आ जाएगा, ऑनलाइन कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, ऐसा जो क्वेश्चन लेके आएंगे फिर वो नहीं कर पाएगा, डाउट ही माइंड से आओगे तो नहीं कर पाओगे। तो पहले आप ये सोचो कि मुझे सीखना है, यूट्यूब से सीखो तो बिल्कुल यूट्यूब से सीखो, किसी टीचर से सीख रहे हो तो बिल्कुल फिर आँखें बंद करके एक ही को फॉलो करना पड़ेगा, ये समस्या आजकल हमको सिखाने में आ रही है।
ऐसा नहीं कि स्टूडेंट नहीं आ रहे, आते हैं स्टूडेंट, पर अच्छे लर्नर भी आते हैं, बट ये ज़्यादा समस्या है, इसको डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो आशा करता हूँ ये वीडियो मोटिवेट भी करेगी और आपको सही ट्रैक में जाने की एक राह देगी। सही ट्रैक में जाइए, शूट का आनंद उठाइए, सुनिए म्यूज़िक को, सुनिए कितने अच्छे म्यूज़िक को, खुद भूलिए है ना, म्यूज़िक को सुनेंगे नहीं पाएगा भी। तो आप इस तरह से करेंगे आपको ज़रूर लाभ होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।